हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। आज हम फटाफट से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, हमें बता रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच में क्या डिफरेंस है, है ना। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, एक ऑप्टिकल एक्सपीरियंस पर्सन के ऑप्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो सिंपल फॉर्म में है हाइपरमेट्रोपिया। अगर तुम देखो तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, है ना, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलने में बहुत ज्यादा होता है, मायोपिया छोटा सा वर्ड है, इसमें हमें प्रॉब्लम, मतलब बोलने में तो प्रॉब्लम नहीं होता, तो मतलब बड़ा वर्ड है, तो इसका मतलब है कि सिंपल फॉर्म में है कि अगर किस कोई पर्सन है जिसका आई जो है हाइपरमेट्रोपिक आईज है, या वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है, तो क्योंकि वो वर्ल्ड बड़ा है इसीलिए वो दूर के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से देख सकता है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में उसे डिफिकल्टी होगा। सेम अपोजिट होता है मायोपिया के केस में। मायोपिया के केस में क्या होता है कि ये छोटा वर्ड है, यानी कि नजदीक के चीजों को वो क्लियरली देख सकता है, बट दूर के चीजों को देखने में उसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर हमने लिखा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट कॉज डिफिकल्टी इन फोकसिंग द नियर ऑब्जेक्ट, नियर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होगा, विथ क्लियरर विजन ऑब्जर्व फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। मायोपिया के केस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी, है ना, दूर के चीज देखने में प्रॉब्लम होता है, बट नियर के ऑब्जेक्ट्स को वह क्लियरली देख सकता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमें याद रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया है तो वैसे केसेस में, मतलब हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है ना, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा, है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देगा, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसको ब्लरी दिखाई देगा, है ना। लेकिन क्या होगा, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट वो उसको ब्लरी दिखाई देगा। ठीक है, बस ये तुम्हें बात याद रखना है, बाकी मायोपिया में तो इसका जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट, है ना, ए पार्ट है, उसी टाइप से बी पार्ट होगा, तो बस वो एक मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ऐसा तुम्हें बहुत सारा डिफरेंस नहीं लिखना कि इसको करेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, मायोपिया को करेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, बाकी उसमें जो अपर्चर होता है आई का वो इंक्रीज होता है डिक्रीज, ये सब तुम्हें वहां पर मेंशन नहीं करना। कहां मेंशन करना है तो आ जाओ देखते हैं, शायद इधर पूछते दिया है द डायग्राम ले लो, सो द स्पेशल केस ऑफ आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट में एक स्पेशल केस होता है, अगर तुम देखो तो ऑब्जेक्ट रखा गया है आईज के नियर बाय जब ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है तो वैसे केसेस में ये रेटिना नहीं बल्कि रेटिना के पीछे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब इसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा इमेज का फॉर्मेशन, बल्कि उसको ब्लरी दिखाई देगा। तो कौन सा डिफेक्ट होता है जिसमें वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता बल्कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख लेता है। अभी हमने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया, अभी जस्ट ऊपर हमने केस पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया में कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख पाता है बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उसको ब्लरी दिखाई देता है, है ना। यानी कि ये कौन सा डिफेक्ट है, उसका रे डायग्राम आपका यही होगा, किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। तो इसका आंसर लिख दोगे सिंपल फॉर्म में कि हाइपरमेट्रोपिया है ये, है ना, हाइपर मेट्रोपिया, है ना। चलो ठीक है, सेकंड है स्टेट वन कॉज ऑफ सच डिफेक्ट। ठीक है, इसका एक डिफेक्ट आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहला केस हो सकता है कि हो सकता है तुम्हारा कि आई बॉल जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए था बट आई बॉल ही तुम्हारा छोटा हो गया हो, है ना, जिसके कारण वो जहां बनना चाहता था वहां पर वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो एक रीजन तुम्हारा ये हो सकता है, उसके साथ साथ जो फोकल लेंथ है वो हो सकता है कि तुम्हारा आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ तुम्हारा इंक्रीज हो गया होगा, लंबा हो गया होगा, जिसके कारण वो रेटिना बना पड़ के पीछे हो रहा। तो बहुत सारे तुम इसका रीजन जो है वो लिख सकते हो, सिंपल फॉर्म में हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, क्या लिख दे रहे हैं, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, है ना, कि आई बॉल जो था वो शॉर्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्लेन विद द रीजन इफ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, है ना, यानी कि इस डिफेक्ट को कॉज करने के लिए, है ना, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए अगर हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करें तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग से पूछा गया। देखो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया है, अगर थोड़ा भी तुमने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा ना तो तबाह कर देगा भाई ये क्वेश्चन तुम्हें। क्या लिया, एक्सप्लेन विद द रीजन, रीजन के साथ एक्सप्लेन करो कि इफ, है ना, इफ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज, अब तुम्हें लगेगा हो सकता है इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जा रहा होगा, है ना, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, बल्कि जस्ट अपोजिट पूछा गया है। देखो क्या है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो ये हो गया तुम्हारा कैसा लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर तुम इस वाले में यहां पर तुम, है ना, कि लगा देते हो कौन सा, कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस तुम लगा देते हो कुछ ऐसा, है ना, ऐसा कॉनकेव लेंस लगा देते हो, तो वैसे केसेस में जो रेज जाएगा ना उसको और ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, यानी कि उस केसेस में जो तुम्हारा रेज है, है ना, जो तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है उससे भी पीछे बनने लगे, और दिक्कत होगा और डिफिकल्टी होगा तुम्हें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो एकदम गलत बात है कि कॉनकेव लेंस हम लोग यूज करेंगे ना तो ये डिफेक्ट हमारा सॉल्व होने के बजाय और क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और जो है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें लगाना होगा कौन सा, कॉनवेक्स लेंस, ताकि उसको कन्वर्ज करे और कन्वर्ज करके उसको सेम प्लेस पे लाए जहां पर रेटिना जो है वो प्रेजेंट है। उसके लिए तुम्हें सुटेबल फोकल लेंथ जो है वो यूज करना पड़ेगा। इसीलिए तुमने सुना होगा कि मेरा आई का पावर जो है वो इतना इंक्रीज कर गया, इतना डिक्रीज कर गया, उस पर सारा का सारा पावर का जो डिपेंडेंसी होता है ना वो फोकल लेंथ पे ही तो होता है, पी इक्वल्स टू वन बाई एफ ही तो होता है, है ना। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में वो समझ सकते हो। फिलहाल आते हैं और इसका आंसर देखते हैं, है ना, इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका आंसर है नो, है ना, नो द कॉनकेव लेंस वुड डाइवर्ज द रे कमिंग आउट ऑफ द आईबॉल, उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा एंड विल पुश टू द इमेज इवन फर्दर, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर देगा, फिर से पुश कर देगा इमेज को फर्दर। बट द कॉनवेक्स लेंस, अगर कॉनवेक्स लेंस के बारे में बात करें, शुड बी यूज्ड which will help to converge the rays and create the image at the exact place on the retina, और वो क्या करेगा, retina के, है ना, exact place पे image का जो है वो formation करना start कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर लिख सकते हो, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31 का। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।